हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। तो चलिए व्लॉग को आरंभ करते हैं इस खास वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग अगेन। आज हमारा हिमाचल प्रदेश में लास्ट डे है, या कह सकते हैं डलहौसी में हमारा लास्ट डे है। तो हम यहां से आगे की ओर निकलने वाले हैं। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं हमारे होम स्टे में। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो रिक्वेस्ट की प्लीज़ जाके पुराने व्लॉग ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में क्या क्या दिखाया था आपको। मैंने इस होमस्टे का टूर भी करवाया था जो डलहौसी में है। आप जब भी डलहौसी आए तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सनरिंगम हाइड आउट के नाम से ये होमस्टे है डलहौसी में। बहुत सारे यादें लेकर जा रहे हैं हम यहाँ से। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं चिंतपूर्णी माता के दर्शन। हम अभी जा रहे हैं डलहौसी से ऊना के तरफ। चिंतपूर्णी मंदिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है और रास्ते में हमको ये खूबसूरत सा पोंग डैम दिखा। बता दूं कि हाईवे के ऊपर पोंग डैम देखने के लिए इस जगह पे अलाउड नहीं है कि आप यहाँ पे रुक के फोटो खींचे, तो हम बस आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम जब भी आप ऊना के तरफ जाएंगे डलहौसी से ऊना के तरफ, तो आपको ये खूबसूरत सा डैम देखने के लिए मिलता है। रास्ते के दोनों तरफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि टूरिस्ट के लिए विजिटिंग पॉइंट कोई और साइड से है, पर इस हाईवे के ऊपर तो रोकना, गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। हम डलहौसी से सुबह 9 बजे निकले थे और चिंतपूर्णी पहुँचने के लिए हमें लगभग 5 घंटे लगे, क्योंकि डलहौसी से चिंतपूर्णी अराउंड 150 किलोमीटर की दूरी पे है। दोपहर के 1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमने सोचा कि पहले हम माता के दरबार पे आए हैं तो माता के दर्शन कर ले। चिंतपूर्णी धाम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ माँ पार्वती जी के पवित्र पांव गिरे थे। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में, तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगती रहती है। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठुर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कई कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहां घना जंगल हुआ करता था, तब इस जगह का नाम छपरो था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और
स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कहानी को हम विस्तार से सुनेंगे। फिलहाल हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन कर रहे हैं और भीड़ इतनी है कि हमको फोटो लेने की इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पे, तो मैं आपको फोटो के माध्यम से यहाँ पे माता के दर्शन करवा रही हूँ। तो बोलिए जयकारा शेरवालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। ये वही वट वृक्ष है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, जिसके नीचे ये सुंदर सा मंदिर भी बसा हुआ है चिंतपूर्णी माता का। कहानी को फिर से प्रारंभ करते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि माईदास जी के स्वप्न में जब माता आई थी और उन्होंने कहा कि इसी वट वृक्ष के नीचे उनकी पिंडी बनाकर उनकी पूजा किया जाए तो माईदास जी के सब दुख दूर हो जाएंगे। माईदास को कुछ समझ ना आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए, उन्हें आगे कुछ ना दिखाई गया। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ, लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मरे परम भक्त हो, अतः यह रहकर मेरी आराधना करो, यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूँगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा, यहाँ पर घने जंगलों में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल जाएगी, इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है, आज भी उसी स्थान से जल निकल कर माता का अभिषेक किया जाता है। मार्कंडेय पुराणों के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके दो शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसीलिए सती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। 12 जून 1987 से इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। तो हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए, अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं अभी, और रास्ते में हमको ये फ्रूट दिखे। ये जो फ्रूट है ये खासकर उत्तराखंड हिमाचल में पाए जाते हैं और भैया जी ने बताया कि इस फ्रूट का नाम किम्ब है। आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ। और ये खाने में खट्टा लगता है आम के जैसे। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और जय माता दी बोल दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।